नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। आज के दौर में हर एक व्यक्ति अपनी फिजिकल हेल्थ पर ज्यादा से ज्यादा जोर देता है। फिजिकल हेल्थ कैसे सुधारी जाए, इस पर हर कोई बात करता है, लेकिन मेंटल हेल्थ पर कोई खुलकर बात नहीं करता। जबकि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण। टीम इंडिया के टेस्ट स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा ने मेंटल हेल्थ पर खुलकर अपनी बात रखी। पुजारा ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुले रहने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सही समय पर मदद मांगना व्यक्ति के जीवन में चमत्कार कर सकता है। पुजारा ने कहा कि उन्होंने काफी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल में देखा है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कैसे मनोवैज्ञानिकों से सलाह ली है। पुजारा ने कहा कि उन्होंने कई बार दबाव का सामना करने के लिए संघर्ष किया है, लेकिन अब इसे दूर करना सीख लिया है। भारत के टेस्ट स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि उन्होंने खेल मनोवैज्ञानिकों से सलाह ली है और इससे उनके प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद मिली है। पुजारा ने कहा, एक समय था जब मुझे लगा कि मैं दबाव को नहीं संभाल सकता। जब मेरे पास अपने छोटे दिनों में समस्याएं थी तो मैं अपनी माँ के पास जाता था और उनके सामने ये कहते हुए रोता था कि मुझ पर बहुत दबाव है और घबराहट है, और मैं उनसे कहता था कि मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। आगे पुजारा ने बताया कि पहले उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वो दबाव झेल लेते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार नकारात्मक सोचने पर सब कुछ नकारात्मक लगने लगता है। मैं योग और ध्यान का सहारा लेता हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ, जिससे सोच सकारात्मक बनी रहती है। चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में अपने लिए एक नाम बनाया, लेकिन उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका कम मिला। वो आखिरी बार 2014 में इसी आईपीएल सीजन में खेले थे। फिर उन्होंने हर नीलामी में भाग लिया, लेकिन किसी भी टीम ने उन्हें अपनी टीम में जगह नहीं दी। उन्हें आईपीएल 2021 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स टीम में नामित किया गया था, लेकिन उन्हें पहले 11 खिलाड़ियों में खेलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो ये बहुत मुश्किल समय था। आईपीएल से बाहर निकलना और हमारी टीम में किसी को जगह नहीं देना बहुत मुश्किल था। इसने मुझे चोट पहुंचाई। यह ऐसी चीज है जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। एक झटके के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ चीजें करनी है जिसे मैं नियंत्रित कर सकता। मैंने छोटे प्रारूप में बेहतर करने के लिए काम करना जारी रखा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।